सरफेस टेंशन के अंदर रूल नंबर वन, सरफेस टेंशन के अंदर सरफेस टेंशन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स से, एक बार कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी से। तो सरफेस टेंशन को ऐसे डिफाइन करते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, पहली डेफिनेशन है। और दूसरी, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया, ऐसे किया था हमने। तो वर्क डन की वैल्यू क्या आई थी, सिग्मा इनटू डेल्टा ए, ये आई थी। मैंने इसमें आपको ये बताया था कि अगर छोटे 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 ड्रॉप्स बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसे केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर बड़ा ड्रॉप छोटों में कन्वर्ट हो जाए हमें क्या करना पड़ता है, वर्क डन, मेथड रिमेन्स सेम। तो पहली डेफिनेशन क्लियर है। तो इसके लिए हमने कुछ ऐसा किया था, ये फॉर्मूला फॉर्मूला ये सब एनसीईआरटी की थ्योरी ये वो सब हमने कर लिया था, सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन ये सब डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इसके बेस पे हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन किया था, ये वाला, एन ड्रॉप्स ऑफ वाटर जिसकी सरफेस टेंशन एस है, छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं कंबाइन हो गए और बड़ा ड्रॉप बन गया। क्लास में कराया था ये क्वेश्चन, बड़ा ड्रॉप बन गया, याद है ये क्वेश्चन, कितनों को याद है, क्या हुआ है, याद आ रहा है? तो बड़ा ड्रॉप बन गया, जब बड़ा ड्रॉप बना तो इससे एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज होके बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर बढ़ गया, वो इंक्रीज इन टेम्परेचर बताओ कितना है। तो पहले एनर्जी रिलीज निकालते हैं, आपको रेडियस छोटे ड्रॉप का गिवन है, आपको बड़े ड्रॉप का नहीं गिवन, या गिवन भी आपको एन नहीं पता। तो एक काम करते हैं, जब छोटे बड़े में या बड़ा छोटे में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम इक्वेट कर लेते हैं, वॉल्यूम इक्वेट करके एन की वैल्यू आ गई आर और आर की। फिर क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज कितनी है, एस इंटू डेल्टा ए, सरफेस टेंशन डेल्टा ए, डेल्टा ए क्या है, एन इंटू फोर पाई आर स्क्वायर माइनस फोर पाई बड़ा आर स्क्वायर। तो ये एनर्जी रिलीज है, ये जो एनर्जी रिलीज है वो बड़े ड्रॉप का टेम्परेचर इंक्रीज कर गई, तो बड़े ड्रॉप के लिए एम सी डेल्टा थीटा, एम इज मास ऑफ बड़ा ड्रॉप, मास ऑफ बड़ा ड्रॉप कितना है, वॉल्यूम ऑफ बड़ा ड्रॉप इंटू डेंसिटी ऑफ बड़ा ड्रॉप इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा थीटा। तो पानी की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है और डेंसिटी पानी की 1 होती है सीजीएस में। अब क्योंकि ये कैलोरीज है, क्योंकि ये जूल है, तो जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया, जैसे क्या किया, डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा थीटा एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, यहां से 4π कॉमन आ गया जो कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये टर्म बच गई। उसके बाद आपने क्या किया, इस आर क्यूब को इस दोनों न्यूमिनेटर के नीचे ले गए और एन की जो ऊपर वैल्यू निकाली वो पुट करके आपके पास ये आंसर आया 3s/j 1/r - 1/r। तो याद आ रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, हाउ नहीं, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कि हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, अभी पहले रिवीजन है फिर जेई की और जो क्वेश्चन आए वो बता रहा हूँ। तो यहाँ तक क्लियर है, ऐसा हमने किया। उसके बाद हमने ये नहीं किया था, ये भी ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में आता है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है भाई, ये टोटल एनसीईआरटी है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, लेवल नॉर्मल चल रहा है, अभी दिखाऊंगा देखो लेवल कैसे एकदम चेंज होगा। तो अभी रिवीजन करवा रहा हूं कि जो मेरे से छूट गया, जो रह गया और मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए वो करवा रहा हूं। तो इसके अंदर दो स्फीयर्स हैं और दो सॉरी सो बबल्स हैं, बबल कंबाइन हो गए। देखो जब तो ड्रॉप कंबाइन होते हैं फिर तो वॉल्यूम इक्वेट करते हैं, जब बबल कंबाइन होते हैं तो P1 V1 प्लस P2 V2 P2 भी करते हैं, केमिस्ट्री लगाते हैं भाई, एयर है, एयर एयर कंबाइन होके नया एयर बन रहा है, मींस गैस मिक्स हो रही है, कुछ ऐसा केस है। तो बबल कंबाइन हो रहे हैं, शो करो कि अगर V चेंज इन वॉल्यूम है छोटे और बड़े बबल में, कैपिटल A चेंज इन एरिया है छोटे और बबल का, बड़े बबल का, तो ये इक्वेशन ट्रू है। इसमें वी का मतलब टोटल चेंज इन वॉल्यूम है, ए का मतलब टोटल चेंज इन एरिया है, पी नॉट का मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर है, टी का मतलब सरफेस टेंशन है। तो रूल नंबर वन, पहले बबल के अंदर का प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस 40/r1, दूसरे बबल का अंदर का प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस 40/r2, नया बबल जो बनेगा उसका प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस 40/r। अब हम क्या लगाएंगे, ये बबल्स कंबाइन हो रहे हैं नॉर्मल कंडीशंस पे, कई बार क्वेश्चन आता है बबल कंबाइन हुए हुए वैक्यूम में, वैक्यूम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो एटमोस्फेरिक प्रेशर हटा देना, ये नहीं लेना, बस ये रहना है, दो टाइप के क्वेश्चन, इसमें उसने वैक्यूम नहीं बोला तो हम लेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो P1 V1 P2 V2 P into V, P1 की वैल्यू पुट की, वॉल्यूम पुट की फर्स्ट बबल की, P2
पी टू की वैल्यू पुट की, वॉल्यूम पुट किया सेकेंड बबल का, पी पुट किया वॉल्यूम नए बबल का, ओपन कर दो सबको, ओपन करके कॉमन निकाल लो पी नॉट तो ये टर्म आएगी, कॉमन निकाल लो 40/3 तो ये टर्म आएगी इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो दोनों बबल्स का वॉल्यूम माइनस नए बबल का वॉल्यूम इज चेंज इन वॉल्यूम, जो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है वी। ऐसी चेंज इन सरफेस एरिया जो कि क्या गिवन है ए। एलसीएम लो जो प्रूव करना आंसर आएगा, है तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम और प्रूव करने को आ सकती है स्कूल में, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में कॉम्पिटिशन में आ सकती है, प्रूव करो करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो कैसे करना है समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो बबल जब कंबाइन होंगे तो ये लॉ लगेगा, ठीक है। फिर हमने इसमें किया था एक्सेस प्रेशर, एक ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या था, P इनसाइड माइनस P एटमोसफेयर 2 सिग्मा बाय R। तो एक ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर का डिफरेंस है वो क्या है 2 सिग्मा बाय आर, और बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर क्या है 4 सिग्मा बाय आर। तो एक कॉन्सेप्ट कराया था, अगर बबल लिक्विड में है तो उसकी सिर्फ एक ही फ्री सरफेस है अंदर, बाहर नहीं है, तो एक्सेस प्रेशर में क्या आएगा 4 सिग्मा बाय आर नहीं आएगा, 2 सिग्मा बाय आर आएगा। और ये बताया था अगर ये बबल एच डिस्टेंस नीचे है लिक्विड के तो फिर 2 सिग्मा बाय आर तो आएगा ही आएगा क्योंकि एक फ्री सरफेस है, प्लस एच रोजी भी आएगा। और प्रेशर इनसाइड माइनस एटमॉस्फेयर इसके इक्वल है, एटमॉस्फेयर राइट साइड पे जाएगा तो बबल के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेयर तो होगा 2 सिग्मा बाय आर भी होगा और पानी का एच रोजी भी होगा, ये बताया था, ठीक है यहां तक। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था एसेंट फॉर्मूला किया था, एसेंट फॉर्मूले में ये किया था अगर एक कैपिलरी ट्यूब ये री सेम रेडियस की हर तरफ से इसको एक लिक्विड में डाला जाए तो लिक्विड हाइट अटेन करेगा, लिक्विड कितनी हाइट अटेन करेगा उसका फॉर्मूला पहला 2t बाय कैपिटल आर रोजी, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, और दूसरा फॉर्मूला इसका मॉडिफाई करके 2t cos थीटा बाय आर रोजी वेयर स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ ट्यूब, ये किया था। और रेडियस ऑफ ट्यूब और मेनिस्कस के रेडियस में क्या रिलेशन था, जब हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करते थे तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा, तो कॉस थीटा क्या था स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन आता था, क्लियर है यहाँ तक। तो ये टर्म हमने की, और अगर लिक्विड इनसफिशेंट जो है ट्यूब की लेंथ इनसफिशेंट है तो एच इन टू आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो अगर मान लो हमने हाइट कम रखी तो रेडियस मेनिस्कस का बड़ा होगा और अगर हाइट ज्यादा रखी तो रेडियस मेनिस्कस का छोटा, ये भी डिस्कस किया था। फिर हमने किया अगर दो बबल्स कंबाइन होते हैं वैक्यूम में, देखो पहले क्वेश्चन करवाया बबल कॉम्बिनेशन का पर वैक्यूम में नहीं है, तो दो बबल कंबाइन होते हैं किसमें वैक्यूम में, तो उस केस में फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर का 40/r है तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को हटा देते हैं वैक्यूम में तो आपके पास ये प्रेशर हो जाता है। तो बबल अगर वैक्यूम में कंबाइन होते हैं तो ये फॉर्मूला, तो प्रेशर फर्स्ट बबल का वॉल्यूम फर्स्ट बबल का, प्रेशर सेकंड बबल का वॉल्यूम सेकंड बबल का, प्रेशर नए बबल का वॉल्यूम नए बबल का, सॉल्व करके ये आंसर है। ये फॉर्मूला नोट करने को कहा था कि दो बबल का रेडियस आर वन आर टू है तो नए बबल का रेडियस क्या होगा अंडर रूट ऑफ आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। फिर ये कहा था अगर दो बबल्स कॉन्टैक्ट में है तो छोटा बबल का रेडियस छोटा है तो उसका प्रेशर बड़ा होगा तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा और इसके अंदर घुस जाएगा, ये जो कॉमन इंटरफेस होगा इसका रेडियस क्या होगा ये निकालना है। तो मैंने कहा था कि दोनों छोटे बबल का प्रेशर माइनस बड़े का प्रेशर इक्वल टू नया प्रेशर, तो सॉल्व करके ये फॉर्मूला याद करने को कहा था 1/r1 माइनस 1/r2 तो एक कॉमन इंटरफेस का रेडियस है, ये सिखाया था, ठीक है।
ये दो फॉर्मूलास। ठीक है, अब एक काम करो, कर लिया था ये ठीक। याद है लास्ट टाइम किया था ऑयल वाला, एनसीईआरटी का पहला प्रॉब्लम विस्कस फोर्स वाला, ऑयल फिल्म में एक आया हुआ क्वेश्चन जिसका ये फॉर्मूला था। ये लो क्वेश्चन देखो क्या है, लगता है क्या क्वेश्चन है। मर्करी ड्रॉप जिसका रेडियस गिवन है, इसके कितने ड्रॉप हमने कर दिए, 125 ड्रॉप्स कर दिए। वॉल्यूम इक्वेट करके रेडियस की रेशियो आएगी। क्या निकालना है, सरफेस टेंशन गिवन है, गेन एनर्जी, सरफेस एनर्जी निकालनी है। तो पता है क्या फॉर्मूला लगेगा, एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया में 125 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल। तो आपको अगर एक रेडियस गिवन है, आप वॉल्यूम इक्वेट करके सेकंड रेडियस तो निकाल ही सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है यहां तक। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम रेज इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ सर्टन रेडियस व्हेन डिप्ड इन अ लिक्विड ए वाटर इज 5 सेंटीमीटर। कह रहे हाइट जो है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है और हाइट होती क्या है, 2t cos थीटा बाय ट्यूब का रेडियस रो जी। ये
वो कह रहा है कि एक और लिक्विड के अंदर डुबो दिया और सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी डबल, तो चलो फिर से हाइट निकालनी है, कह रहे सरफेस टेंशन को डबल कर देते हैं इंटू टू और डेंसिटी को भी क्या कर देते हैं डबल, अरे क्या फर्क हुआ फिर, हाइट रिमेन्स सेम, तो आंसर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, पर उसने कहा इन मीटर, तो क्या आएगा डी ऑप्शन 0.05 मीटर आंसर। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कोई यार, जल्दबाजी में कोई 5 फुट कर मैं कह नहीं सकता, तो इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं है। नेक्स्ट, फिर से 1000 ड्रॉपलेट्स हैं, तोड़ दिया, सरफेस टेंशन गिवन है, रेडियस गिवन है, एनर्जी रिलीज निकाल दो, क्या करेंगे, सिग्मा इंटू डेल्टा ए, इससे आसान क्वेश्चन भी क्या होगा भाई, ठीक है। सो बबल कंबाइन हो गए, नया रेडियस निकाल लो, बी अभी करवाया, रूट R1 square R2 square, मेरे को लग रहा है मेरी किताब ही ले गए मेज बनाने वाले यार, उसी में से डाल दिया 8-10 क्वेश्चन सीधे, नहीं मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है मुझे। सी सी बढ़िया है, देख हो जाएगा, बताओ फॉर्मूला बोलो, मैंने ये डाला भी था शायद उसमें किसी रिवीजन शीट या उसमें डाला हुआ है या टेस्ट में आया था, बिल्कुल ठीक, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, बोलो क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, 4π × 10 नहीं 20 है ना, एरिया में क्या कर रहा हूँ मैं 20 × 10⁻²⁻² का स्क्वायर माइनस 4π × 10 × 10⁻²⁻² का स्क्वायर, ठीक किया आंसर आएगा हाँ या ना, क्यों इंटू टू आएगा, बबल है, बबल के लिए सरफेस टेंशन
दो से मल्टीप्लाई होगी, ड्रॉप होता तो नहीं करना था, यही इंपॉर्टेंट है। सही है, ठीक है, यहाँ तक बबल है ना, तो दो सरफेस टेंशन हैं, ठीक कह रहे हैं। किया हुआ है ये, देखो क्या क्वेश्चन है। देयर इज एन एयर बबल ऑफ रेडियस 1 mm इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन गिवन। किया हुआ है, हाँ या ना? ये हुआ है। कौन सा क्वेश्चन अभी करवाया था? हाँ, तो बेसिकली यही है, एक क्वेश्चन किया था ना कि लिक्विड के अंदर बबल है, एच डिस्टेंस नीचे है, तो प्रेशर इनसाइड क्या होगा? एटमोसफेयर तो होगा ही होगा, प्लस 2 सिग्मा बाय आर भी होगा, प्लस एच रो। बस उसको न्यूमेरिकली पूछ लिया, क्योंकि लोग तो याद करके जाएंगे ना ये वाला, और न्यूमेरिकल पूछो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दो। समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या करना है? ये मैंने नहीं करवाया, नया टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन पढ़ लो। ये मैंने नहीं करवाया, ना मैंने किताब में देखा भी ऐसे। हाँ जी, देखो ये फॉर्मूला हमने किया नहीं, पहले फॉर्मूला नोट करो। अगर एक बबल के अंदर एक बबल है, तो जो अंदर वाला बबल है ना, उस पे प्रेशर डबल लगने वाला है। कैसे? उसके अंदर का प्रेशर अपना तो होगा होगा, उसके
बाहर के बबल का भी होगा अंदर। तो ये फॉर्मूला नोट करें, ये वाला बबल के अगर अंदर, इफ बबल इज इनसाइड अ बबल, लिख लो बबल इनसाइड अ बबल, तो नेट जो जो नया इक्विवेलेंट बबल बनेगा उसका जो रेडियस होगा, जो अंदर का बबल प्रेशर फील कर रहा है उसके इक्विवेलेंट जो रेडियस होगा वो ये होगा। तो फॉर्मूला नोट कर लें, कल को अगर आएगा तो सीधा फॉर्मूला नोट कर लें। सब ठीक है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब इस बुकलेट में ना, इसके अंदर सरफेस टेंशन का पहला एग्जांपल है ये। ये बहुत पुराना मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, उस टाइम तो ये पहली बार ही आया था। देखो कितने ट्राई भी मारी होगी तो मुझे पता नहीं कैसे मारी होगी, पर लेकिन ये है कि अब अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एक शॉर्टकट बता सकता हूं इसका, क्योंकि मैंने इसको देख लिया, इसको ट्राई भी कर लिया, अब मेरे को शॉर्टकट भी पता है इसका। तो मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं। इन्होंने क्या किया, ये कहते हैं स्टूडेंट याद करके आया हुआ है कि अगर एक कैपिलरी ट्यूब है, एक कैपिलरी ट्यूब का ऊपर का रेडियस बी है, यहां का जो रेडियस है वो बी है, पर कैपिलरी ट्यूब जो हमने क्लास में की वो बिल्कुल सीधी है, ये कॉनिकल टेढ़ी है, पतला होता जा रहा है, ऐसे डेरिवेशन नहीं की। कह रहे हाइट बताओ, एसेंट फॉर्मूला करके दिखाओ हाइट क्या होगी। देखो है ना कमाल, अगर मेरे को एक ही यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब देगा तो 2t cos थीटा बाय r रो जी, सिंपल। पर यहां पर तो ऊपर रेडियस अलग है नीचे अलग है, तो क्या करें? और आपको ये गिवन है टोटल वर्टेक्स का एंगल यहां पर अल्फा बनेगा। ज्योमेट्री सीख लें, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक शॉर्टकट सिखाऊंगा। देखो क्या, अगर आपकी कैपिलरी ट्यूब टेढ़ी है, अगर आपकी कैपिलरी ट्यूब ऐसी टेढ़ी है, ऐसी है, ऊपर का कैपिलरी ट्यूब का रेडियस क्या है, बी है, और नीचे का एंगल टोटल अल्फा है, तो आधा ले लेना अल्फा बाय 2। एक ये मेनिस्कस है, टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा कितना, थीटा, तो थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, तो थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब इसमें ये थीटा, ये अल्फा बाय 2, ये थीटा तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, ये कितना है, ये थीटा है ना, ये थीटा और ये थीटा है, ये और ये पैरेलल है लाइंस, और ये लाइन आगे जा रही है, तो ये अल्फा बाय 2, तो ये अल्फा बाय 2 है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ये, ठीक है। तो ये टोटल एंगल क्या बन गया, थीटा प्लस अल्फा बाय 2 बन गया। तो अगर ये थीटा प्लस अल्फा बाय 2, तो ये 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा बाय 2, क्योंकि रेडियस टेंजेंट आपस में 90 डिग्री पे है, और ये लाइन 90 पे है, तो बचा हुआ एंगल कितना बन गया, थीटा प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू क्या, बी डिवाइडेड बाय आर। तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या आएगी, बी बाय कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2, ऐसे। तो ये लिखा हुआ है इसमें, ये देखो, ये रहा कैपिटल आर आ गया। हमने कैपिलरी जो एसेंट फॉर्मूला डराइव किया था 2t by r rho g किया था, फिर कैपिटलाइज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, पर आंसर ट्यूब के रेडियस में b की फॉर्म में गिवन है, तो कैपिटल r को ये रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा।
तो फॉर्मूला वही आ गया, टू टी कॉस थीटा बाय आर रो जी वाला। अब शॉर्टकट सुनो क्या करना है, पेपर में आएगा। पहला शॉर्टकट कि अगर आपके पास मान लो ऐसा कॉनिकल ये आ गया कोन की फॉर्म में, तो ये जितना भी एंगल गिवन होगा 60 डिग्री, आपने आधा ले लेना है 30 डिग्री, अल्फा गिवन है तो अल्फा बाई टू। ये ट्राइंगल का एंगल थीटा की जगह थीटा प्लस अल्फा बाई टू ऐड कर देना है। ज्योमेट्री तो बनाने की जरूरत नहीं है, याद ही कर लो कि थीटा तो वैसे भी लेते ही थे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लस अल्फा बाई टू। तो जो रिजल्ट आपने याद किया हुआ था टू टी कॉस थीटा, उसमें ऐड कर देंगे थीटा प्लस अल्फा बाई टू, आंसर आ गया। आज के बाद न्यूमेरिकल भी आता है तो ये शॉर्टकट याद कर लेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर में, ये फॉर्मूला कौन बनाएगा इतनी ज्योमेट्री यहाँ बैठ के, सीधा शॉर्टकट लगाएंगे। ये फॉर्मूला आएगा ना, मतलब थीटा की जगह थीटा प्लस अल्फा बाई टू, कोन का जो भी एंगल होगा उसका आधा एंगल एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट में ऐड कर देंगे बस। अब आ जाए कोई दिक्कत नहीं, कौन ठीक है यहां तक? अब जैसे ये क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन है डिटैचमेंट के, तीन डिटैचमेंट की प्रॉब्लम मैंने आपको नहीं करवाई। ये सबसे अलग प्रॉब्लम है इस सरफेस टेंशन की, ये सबसे एंड में आती है, और ऐसा नहीं कि आई नहीं, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों में डिटैचमेंट की प्रॉब्लम्स आई हैं, पुराने मेन्स और नीट में आई हैं, पर गारंटी थोड़ी ना कि इस बार नहीं आएगी, तो हमें टाइप तो सीखनी चाहिए। बहुत बड़ा ऐसे है नहीं पढ़ना, फालतू की कहानी लिखी हुई है, फिर काम का कुछ भी नहीं है। ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे इन्होंने क्या कहा, मैं सीधा पढ़ देता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ सीधा। वो कहते हैं एक ना ड्रॉपर ले लो, आई टोन, वो जो आँख में ड्रॉपर ना दवाई डालते हैं, तो ऊपर बल्ब लगा होता है, उसको दबाओ, ट्यूब लगी हुई है, उस ट्यूब में से दवाई निकलती है, ऐसे सेयर बनाती है, ड्रॉप 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 ड्रॉप, और फिर नीचे गिर जाती है। वो क्यों नीचे नहीं गिर पाती? क्योंकि सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर की फोर्स उसे ऊपर खींचती है। क्यों नीचे गिर पाती है? उसका वेट भारी हो जाता है तो वो नीचे गिर जाती है। तो आपको ये बताना है कि बताओ ये ट्यूब है, इस ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर है, ये रहा ये सर्कमफ्रेंस, स्मॉल आर रेडियस है, जो ड्रॉप बन चुका है उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो उसका रेडियस कैपिटल आर है। आपको ये बताना है कि अभी बस ड्रॉप गिरने ही वाला है, बस गिर, अब गिरा अब गिरा अब गिरा, ये वो केस है। तो बताओ वर्टिकल फोर्स ऊपर जिसने बचा के रखा हुआ गिरने से, वो क्या है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वर्टिकल फोर्स क्या है ये बताओ, ये क्वेश्चन है। रूल नंबर वन, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी आपने करना क्या है, देखो आपने इसमें ये करना है, ये आपका ड्रॉप है ठीक, ये आपकी ट्यूब है, ये ट्यूब है, और ये वो सर्कमफ्रेंस है जहां पर ये स्फेयर बनना स्टार्ट हुआ है ना, ये सर्कमफ्रेंस है 2πr, यहां पे ऐसा बना हुआ है ड्रॉप ठीक है। तो रूल नंबर वन, जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले सरफेस टेंशन टेडी ड्रॉ करनी है। सरफेस टेंशन की फोर्स टेंजेंशियल है, यहां पे टेंजेंशियल होती है ऐसे केस में, टेंजेंशियल है क्योंकि ये मुड़ रहा है ना ऐसे ऐसे, टेंजेंशियल है। अंदर नहीं बनाना डायग्राम, अंदर तो लिक्विड है, सरफेस टेंशन बाउंड्री पे होती है जहां पर एक सॉलिड और एक लिक्विड है। ध्यान से देखें, अगर इसके अंदर ये ट्यूब का रेडियस है, ये ड्रॉप का रेडियस है, ट्रायंगल बना, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट बना, अगर ये थीटा 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। अगर मैं इस डायग्राम को उल्टा कर दूं ना, असेंट फॉर्मूला वाला डायग्राम बनेगा सेम, चेक कर लो, उसमें उल्टा ट्रायंगल था, इसमें उसमें सीधा है, इसमें उल्टा है, चेक करो, उल्टा करके देख लो, सेम डायग्राम बन जाएगा ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना है, सरफेस टेंशन की जो फोर्स है, आपने स्मॉल एलिमेंट लेना है यहां पे डीएल, डीएल के ऊपर स्मॉल फोर्स लगेगी, डीएफ इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू डीएल, टी इंटू डीएल, और अगर ये थीटा है तो ये फोर्स क्या बनेगी, टी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो वर्टिकल फोर्स।
अब प्रॉब्लम ये है कि छोटे एलिमेंट के ऊपर, ऐसे हर एलिमेंट के ऊपर 2 बाय स्मॉलर हर एलिमेंट के ऊपर टी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा फोर्स आएगी, टी इंटू डी एल इंटू कॉस, तो नेट फोर्स क्या आएगी, टी इंटू डी एल कॉस थीटा की इंटीग्रेशन, कहां तक, 2 पाई आर तक। मैं ये इंटीग्रेशन नहीं करता, मेरे को क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं सिंपल ओरली कर देता हूं, मुझे पता है कि सर्कमफ्रेंस क्या आएगा, 2 पाई आर, जहां पर ये सब कुछ चल रहा है, और कंपोनेंट ऑफ फोर्स, अगर मान लो सरफेस टेंशन यहां पर टी है तो इसका कंपोनेंट यहां पर क्या बनेगा, टी, तो टेंशन टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर के ऊपर, मैं सीधा मल्टीप्लाई करके एक लाइन में आंसर बोल दूंगा, आंसर आ गया। तो मैं इसको ऐसे ही याद करता हूं, इंटीग्रेशन की इसमें जरूरत नहीं है इसमें। हाँ, कॉस थीटा की वैल्यू अगर पुट करनी है स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, आप पुट करके आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं, ये वर्टिकल फोर्स है जब इसका रेडियस किसी भी टाइम पे स्फीयर का कैपिटल आर है, ये हर वक्त लगती रहेगी, मिनिमम तो तब होगी ना जब हल्का सा ड्रॉप निकलेगा, मैक्सिमम तब होगी जब पूरा ड्रॉप बाहर निकलाएगा, मिनिमम मैक्सिमम चक्कर नहीं है, किसी भी इंस्टेंट पे है, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे कैपिटल आर चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन है कि मान लो ये ड्रॉप हवा में छूट गया, उस टाइम ड्रॉप का रेडियस क्या था, भाई जब ये छूट गया तो कौन सी फोर्स वर्टिकल है जिसने छुटा दिया, डिटैच कर दिया, एम जी वेट, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप इंटू डेंसिटी इंटू जी, और कौन बचा रहा था, वर्टिकल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो ए पार्ट में निकाला, सॉल्व करके रेडियस ऑफ ड्रॉप आ गया। देखो ये प्रॉब्लम आई नहीं है पर बहुत पहले आई हुई है, तो डिटैचमेंट की प्रॉब्लम बोलते हैं। मैं आपको मिलती जुलती, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेना। जैसे ये क्वेश्चन है डिटैचमेंट का, कोई स्टूडेंट, कोई बच्चा है, वो ना रिंग ले आया, एक हल्का सा रिंग बबल में फुलाया, हवा हवा मार रहा है, फोर्स लगा रहा है, बताओ कितनी फोर्स लगेगी ताकि डिटैच हो जाए, बबल बन गया, अब छूटा छूट गया, तो मान लो कैपिटल आर रेडियस का बन गया। फिर से कॉन्सेप्ट वही है, जब ये बबल बनेगा सरफेस टेंशन की फोर्स ऐसी बननी चाहिए, टेंगल बन गया थोड़ा डायग्राम ऐसे, टेंजेंशियल ऐसे, तो इस बाउंड्री पे ऐसा बनेगा, इसका रेडियस बी है, इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, 2 पाई बी, इसका जो सर्कमफ्रेंस है 2 पाई बी, तो ये टेंशन है, ये थीटा है अगर, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स हैं टी कॉस टी साइन, तो ये फोर्स कितनी है, टी साइन, सरफेस टेंशन टी साइन है, हर तरफ टी साइन टी साइन टी साइन, तो टी साइन थीटा इंटू 2 पाई बी क्या आ गई, फोर्स आ गई। तो ये सरफेस टेंशन की फोर्स है जिसने बबल को रोक के रखा हुआ है, आप हवा मारोगे एफ की तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये छूट जाए, तो आप बोलेंगे कि 2 पाई बी सर्कमफ्रेंस इंटू टी साइन थीटा को ट्वाइस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बबल के इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, तो इतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी ताकि ये डिटैच हो जाए। ठीक कॉन्सेप्ट देख रहे हो, इस बाउंड्री पे सेम कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन आएगा, आप चाय बनाने के लिए पानी गर्म कर रहे हो, पानी में बबल उठते रहते हैं ऐसे बबल्स, तो एक ग्राउंड से बबल चलता है ऊपर चला जाता है, तो ये डायग्राम है, एक बबल है, एक बबल की स्टोरी है, बबल बन गया ऑफ रेडियस आर, बबल अभी नीचे चिपका हुआ है, चिपका हुआ है तो इसका ग्राउंड का रेडियस है स्मॉल आर। अब मान लो इसकी बारी आ गई ऊपर उठने की, कौन ऊपर उठाएगा, पानी के अंदर बबल है, पानी का अपथ्रस्ट ऊपर फेंकेगा, तो पानी का अपथ्रस्ट ऊपर फेंकेगा, आपको बताना है इसके अंदर, इसको डिटैच करवाना है, तो आपको बताना है कि ये स्मॉल आर रेडियस क्या हो कि बस अब ये डिटैच हो जाए। ज्योमेट्री ध्यान से देखना, सेम ज्योमेट्री ऐसी, ये देखो टी टी, ये रेडियस कितना है 2 पाई स्मॉल आर, फिर वही टी, फिर वही थीटा, फिर थीटा थीटा सेम टी साइन थीटा, तो टी साइन थीटा इंटू 2 पाई आर इसकी फोर्स है जिससे बबल चिपका हुआ है नीचे, तो टी साइन थीटा इंटू जो 2 पाई आर इसकी फोर्स है। ऊपर कौन उठा रहा है, अप थ्रस्ट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, यहाँ से सॉल्व करके रेडियस आएगा। अब ये बेसिक ज्योमेट्री सेम रहेगी, टी साइन थीटा इंटू 2 पाई आर, टी कॉस थीटा, वो तो ज्योमेट्री डायग्राम पर डिपेंड करती है कि थीटा क्या आगे बने, पर आप ये देखेंगे कभी कभी अपथ्रस्ट किसी बॉडी को डिटैच कर रहा है, कभी बॉडी का वेट उसे डिटैच कर रहा है, कभी आपकी लगाई फोर्स उसे डिटैच कर रही है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा इसमें। अब ये थोड़ी एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ये वो प्रॉब्लम मैं बोलूँगा जिसके अंदर आप ये बोल सकते हैं कि कभी कभी आने वाली प्रॉब्लम है, डिटैचमेंट की प्रॉब्लम अगर आएगी तो ऐसी होगी, बस हिंट दे रहा हूँ मैं, यहाँ से करने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी कर लिया। इसके अंदर ये क्वेश्चन करेंगे, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बाल्टी में एक बकेट में पानी है, आप गोल 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 घुमा रहे हैं तो एक्स ऐसा लेवल बन जाता है पानी का घूमते घूमते, कॉर्नर के पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, आर ओमेगा, और बिल्कुल यहाँ की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो,
क्योंकि वो एक्सेस के ऊपर है। तो आपको बताना है कितनी हाइट अटेन करेगा। तो बुक्स में बहुत अलग सोल्यूशन है। मैं क्या करता हूँ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में वन और टू पे वो पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर बर्नौलीज लगा देता हूँ। ये देखो बर्नौलीज में प्रेशर का डिफरेंस एक तरफ, एक्सिस के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो और दूर वाले की आर ओमेगा। पी वन माइनस पी टू को लिख देंगे एच रो जी, प्रेशर डिफरेंस एच रो जी, यहाँ से हाइट आ जाएगी आंसर। बेस्ट तरीका है बर्नौलीज लगा दो। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ठीक है,